जैसे ही यहाँ पर आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है खोई हुई संपत्ति, जिसमें खोई हुई संपत्ति का पंजीकरण करें, चैत्य प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। तो हम भी हम खोई हुई संपत्ति को देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा एरो से आपको जाना होगा। ये सिम एवं दस्तावेज गुमने की सूचना देने हेतु सिटीजन पोर्टल पर दर्ज करें। यहाँ पर आपको संपत्ति गुम होने की तारीख डालना है और कब समय यदि हुआ 24 आवर, संपत्ति का प्रकार डालना है, इलेक्ट्रॉनिक है, दस्तावेज है। अभी कुछ के लिए ही लागू किया है ये, तो वो आपको डालना है कि जिले में हुआ है ना, और उसका फोटो भी आप डाल सकते हैं यदि आपके है। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आसानी से वो खोज सकें, है ना। तो ये इस प्रकार से आप इसका रजिस्ट्रेशन यानी यहाँ पर FIR उसकी दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा उसका विवरण भी आप देख सकते हैं दोबारा, जब भी आपको देखना होगा तो आसानी से आप देख पाएंगे। दूसरा आता है नागरिक सेवा में चैत्र प्रमाण पत्र। इसमें चैत्र प्रमाण पत्र अनुरोध जोड़े, इसे हम क्लिक करेंगे। यह आ गया है कि आपके पास आधार कार्ड है तो हम इसे यस करेंगे, नहीं है तो भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूरी फील्ड हमें फिल करनी होगी। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है, आधार कार्ड पर एक OTP आएगा, वो आपको डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई से ये होगा कि पूरा डेटाबेस आपका आ जाएगा, नहीं है तो इसे अभी हम नहीं से देख लेते हैं। आपको नाम वगैरह पूरा डालना है, यहाँ पर आपका पता एड्रेस आपको डालना है ना। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है, और शपथ पत्र में आपको यस ही करना रहेगा। फॉर्म उपलब्ध कराई जानकारी सही है, मुझे स्वीकार है, ये आपको है। गवाह की सूचना आपको यहाँ पर पूरी देनी है। इसके बाद यहाँ पर चालान का ऑप्शन आता है, तो चालान में BPL वालों के लिए कोई चालान नहीं लगेगा, लेकिन जो APL के अंतर्गत आते हैं उनका 100 रुपये का चालान इसमें लगना है। तो चालान कैसे जनरेट करें ये भी हम अगले आपको वीडियो में बताने वाले हैं। MP ट्रेजडी की साइट से आप चालान सबमिट कर सकते हैं। तो चालान यहाँ से साथ ही साथ MP ऑनलाइन पे भी ये सर्विसेज अवेलेबल है, तो चालान पे जाएं और चालान को सबमिट करें। अब यहाँ पर एक विशेष जो है डॉक्यूमेंट में आपका दो डॉक्यूमेंट इसमें होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, एक तो आधार कार्ड आपका हो गया, एक अन्य डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, जो है कि राशन कार्ड हो गया, या फिर अन्य कोई और डॉक्यूमेंट आपके हैं तो वो चाहिए, यानी दो डॉक्यूमेंट आपका मैंडेटरी है, या पैन कार्ड हो गया, तो दो में से दो जो है कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंडेटरी है। चालान में एक ध्यान रखना है कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 100 रुपये का चालान, यानी आप निवासरत दो डिस्ट्रिक्ट में हैं, कि कुछ समय आपने 10 साल एक डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, फिर 2 साल या 5 साल दो डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आपको 200 रुपये का चालान जमा करना है। कुछ समय के लिए आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहे, यानी कुल मिला के आप कुछ कुछ समय के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट में आप निवासरत रहे हैं, तो आपको फिर 400 रुपये का चालान, यानी पर डिस्ट्रिक्ट 100 रुपये आपको यहाँ पर देना ही देना है। यदि आप अपनी कोई गलती छिपाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपका जो 100 रुपये का चालान पहले कटवाया था आपने, वो स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, ऐसा निर्देशन में कहा गया है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें, और इस प्रकार से ऑनलाइन यानी यहाँ की जो प्रिंट निकलेगी, यदि आपको तुरंत चाहिए तो प्रिंट निकाल करके आप थाने जा करके तुरंत आपका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, नहीं तो इसका जो प्रोसीजर है ऑनलाइन करने के बाद 15 दिन के बाद आपको ऑनलाइन ही जो है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जिसे आपने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह, तो उसके लिए सिम बनवाने के लिए आपको प्रति चाहिए रहती है, रिपोर्ट दर्ज FIR की प्रति चाहिए रहती है, तो ऑनलाइन जो प्रिंट निकलेगा वही जाकर के आप अपने कस्टमर केयर में जहाँ भी आप सिम जनरेट करवा रहे न्यू वहाँ पर दे सकते हैं, वो मान्य रहेगी। तो ये बहुत अच्छी सर्विसेज हो गई है और पूर्णतः ऑनलाइन हो चुकी है।
तो आसान से आप ये कर सकते हैं और आपको कहीं थाने पर जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे पुलिसकर्मी पुलिस भाइयों को परेशान करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं परेशान करने से ऐसे कि वो बार बार कुछ भी चीज़ हमें गुम जाती है तो हमें FIR दर्ज करवाना रहता है, तो इतने सारे काम होने के बावजूद फिर हमारे ये अन्य काम उसमें आते हैं। तो ये सारा काम अब ऑनलाइन हो गया है और बहुत आसान से उन पुलिस में भी, पुलिस लाइन में जो भी लोग हैं जहां वो बैठते हैं और FIR बना करके देते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। आपकी जो प्रिंट निकली उसको सिर्फ वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक थोड़ा सा करना है और आसानी से आपको प्रिंट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन ही रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट गुमशुदगी की, और साथ ही साथ करेक्ट सर्टिफिकेट के लिए आने वाले समय में और भी बहुत सारी सर्विसेज जुड़ने वाली हैं, तो वो भी आप इसमें कर पाएंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।